सिंपल कुकिंग वीडियो में आपका स्वागत है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, व्रत में हम खाने के लिए बनाने जा रहे हैं कुट्टू की खिचड़ी। इसके लिए हमने लिया है एक छोटी कटोरी कुट्टू, इसको अच्छी तरह साफ करके हमने दो पानी धुल लिया है। एक मध्यम आकार का आलू लिया है, उसे महीन काट लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक है, उसे लंबी स्लाइस में पतला पतला काट लिया है। दो हरी मिर्च चीरा लगाकर रख लिए। एक छोटा चम्मच जीरा, देसी घी। गैस पे हमने कुकर रख दिया है, उसमें हम डालेंगे डेढ़ बड़े चम्मच देसी घी। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, गैस की आंच को कम करते हैं। इसमें डालते हैं जीरा। जीरा को अच्छी तरह चटकने दिए। जीरा चटक गया, अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और हल्दी। इसे भी हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुट्टू और साथ ही महीन कटा हुआ आलू। अब इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट हम मीडियम आंच में भूनेंगे। देखिए, हमने आलू और कुट्टू को 2 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। आप इसमें परवल, लौकी, जो भी सब्जी खाते हो वो डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, आप अपने स्वादानुसार नमक डालिए। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुनी जीरा पाउडर, और उसे भी हम अच्छे से चला देंगे। इसको कुट्टू की खिचड़ी को आप दही या नींबू का रस निचोड़ कर किसी के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। जिस कटोरी से हमने कुट्टू लिया है उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। कुट्टू का दुगना हम पानी डालेंगे, यानी 1 कटोरी हमारा कुट्टू था तो 2 कटोरी पानी और आलू के लिए 1/2 कटोरी पानी, और उसे अच्छे से चलाकर मीडियम आंच में 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए, हमने इसमें 4 सीटी दी है, इसका प्रेशर निकल गया है। तब हम खोल कर देखते हैं खिचड़ी तैयार हुई है कि नहीं। देखिए, एकदम तैयार है खिचड़ी, चलाकर आपको दिखलाते हैं। ये ऐसी बनती है। अब इसको हम सर्व करेंगे। कुट्टू की खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इसे नवरात्र में या किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं। ये खाने में तो टेस्टी होती है और साथ में पौष्टिक भी बहुत होती है। इसे आप दही के साथ खाइए या इसमें नींबू का रस कुछ भी डालकर आप खा सकते हैं।